नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में साइंस बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है और हमारे आसपास होने वाली हर घटना का जवाब साइंस के पास है। हवा कैसे चलती है, बारिश कैसे होती है से लेकर तारे कैसे बनते हैं और धरती किस स्पीड से घूम रही है, इन सब सवालों के जवाब साइंस के पास हैं। आपके मन में कोई सवाल आया नहीं और आपने अपना फोन उठाकर गूगल पे सर्च किया और हर सवाल के सैकड़ों जवाब आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिन सवालों के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनके जवाब शायद आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ साइंस भी खामोश हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर के बारे में। इस मंदिर का इतिहास काफी हैरान कर देने वाला है। आप जितना जानेंगे आपको उतना ही और जानने का मन करेगा। ये सनातन धर्म के प्रसिद्ध चार धामों में से एक है, जहां भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति के भी दर्शन होते हैं। और जो मंदिर लाखों लोगों को हर साल अपनी ओर आकर्षित करता है, उस मंदिर के भगवान के बारे में ये तो सुनिए कि उनकी मूर्तियां ही अधूरी हैं, पर फिर भी मान्यता ये है कि इन मूर्तियों में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। चलो, ये तो फिर भी मान्यता है। अब आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि आपको अपने सामने से बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखती हैं और जिसे देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। शुरुआत करते हैं मंदिर की अधूरी मूर्तियों से। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियाँ अधूरी विराजमान हैं, और वो भी लकड़ी की। हर साल मूर्तियाँ बदल दी जाती हैं। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने के पीछे भी एक लंबी कथा है, जो राजा इंद्रदुम्न और उनकी पत्नी गुड़ीचा से जुड़ी हुई है। अगला है हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, और ये खुद में एक आश्चर्य की बात है। ऐसा किस कारण होता है, ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन ये निश्चय ही बहुत ज्यादा आश्चर्य वाली बात है। प्रतिदिन शाम को मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को बदला जाता है, और ये ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो सब इसको देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है, और इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर किसी भी एक दिन गलती से ये ध्वज नहीं बदला गया तो ये मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। अगला है गुंबद की छाया नहीं बनती। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है, जबकि आप और किसी भी मॉन्यूमेंट के पास जाकर ये देख सकते हैं कि दिन के समय में उस मंदिर की छाया जरूर बनती है, लेकिन ये यहाँ देख पाना नामुमकिन है। अगला है चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पूरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो आपको हमेशा यही लगेगा कि ये आपके सामने से दिख रहा है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। आप इसको पूरी के किसी भी कोने से देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि इसका मुख आपकी तरफ है। अगला है हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है, और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पूरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ पर हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। मंदिर के गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो मंदिरें ऊंची होती हैं, उनके गुंबद पर पक्षियों का एक जमावड़ा होता है। बहुत सारे पक्षी एक साथ इन मंदिरों के गुंबद पर बैठते हैं, लेकिन ऐसा कुछ आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान तक नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नहीं नजर आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। और दोस्तों, अगला है दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहभागियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती।
कहा जाता है कि मंदिर में हर दिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनता है। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी दिन लाखों में भी भक्त आ जाए तो वो भी यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं, और मंदिर का दरवाजा जैसे ही बंद होता है प्रसाद खत्म हो जाता है। और यहाँ की रसोई में अजीब तरीके से पकता है चावल। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं। सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में जो बर्तन सबसे नीचे होता है उसमें खाना सबसे देर से बनता है, और जो बर्तन सबसे ऊपर रखा जाता है सबसे पहले खाना उसी में बनकर तैयार होता है। ये अपने आप में एक चमत्कार है। अगला है समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम रखने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। जैसे ही आपने अपना कदम मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर रखा, समुद्र की आवाज बंद हो जाती है, और जैसे ही आपने अपना कदम बाहर निकाला आप दोबारा से समुद्र की लहरों को सुन सकते हैं। अगला है रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी विराजमान होती हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ लकड़ी की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन उनका आकार और स्वरूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई हैं। और दोस्तों, अगला है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुड़ीचा के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रदुम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। भगवान अपनी मौसी के घर 8 दिनों तक रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है, और भाई बलभद्र का रथ तल ध्वज है। अगला है हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब जब हनुमान जी जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों का लोप संवरण नहीं कर पाते थे, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथ पुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी यहाँ आते हैं। दोस्तों, ये बस इस मंदिर से जुड़े हैरान कर देने वाले तथ्यों की एक झलक है। अगर एक एक तथ्य को हम डिटेल में जानें तो आप और भी ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।